की प्राइवेट कंपनियों में निजी अस्पतालों के कोविड वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं। आपको बता दें कि मेदांता और अन्य निजी अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं। कोविड नियमों की पालना के साथ वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज से 45 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। साइबर सिटी में 3 चरणों में 2 लाख से ज्यादा नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जिले भर में सरकारी PHC सेंटर और RWA सोसाइटियों में 160 कैंप्स चल रहे हैं। गौरतलब रहे कि साइबर सिटी के 45 निजी अस्पतालों के साथ साथ 22 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साइबर सिटी में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर अब मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साथ औद्योगिक एसोसिएशन ने प्राइवेट अस्पतालों की मदद से वैक्सीनेशन कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं। इस मामले में सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान के गांधी की माने तो औद्योगिक नगरी में कैंप लगाना जहां अस्पतालों से सुरक्षित है, तो वहीं उद्योगपतियों को बिना लाइन में लगे वैक्सीनेशन की सुविधा भी मिल रही है। वहीं वैक्सीनेशन करवाने आए उद्योगपतियों की माने तो ये बढ़िया प्रयास है। ऐसे कैंप्स की मदद से जहां वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है, तो वही कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ती रफ्तार को रोकने में मदद मिल रही है। वहीं मेदांता के सीनियर डॉक्टर SK तनेजा की माने तो उनके पास RWA सोसाइटी के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनियों और औद्योगिक एसोसिएशन के टाइप्स हो चुके हैं। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर सुनील सिंगला। और किस तरह के कैंप चाहिए और क्या कैसे सुरक्षित? मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे कैंप जो लगाए हैं ये ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं। जो लोग आस पड़ोस में हैं या नियर बाय हैं उनके लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, इजीली अप्रोचेबल हैं। बनिस्बत लोग बाग हॉस्पिटल के अंदर इसलिए भी नहीं जाते ताकि उनको महसूस होता है कि वहाँ शायद कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिलेंगे, कुछ और मिलेंगे, और शायद वो कंफर्टेबल जोन में नहीं रहते। मगर इस जगह जाके, जैसे स्पेशली मैं गए गांधी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कैंप लगाया यहाँ पर, और बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट यहाँ पर करा कि लोग बाग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सेफ भी फील कर रहे हैं। और मेरी अपनी ओपिनियन है कि ऐसे कैंप अगर लोग बाग समाज के लोगों का लगाएँ तो ये वैक्सीनेशन का जो ये मोदी जी ने अभियान चलाया है ये बहुत तेजी से अभियान पकड़ेगा और मुझे लगता है देश शायद ये सुरक्षा की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। मेरी अपनी ओपिनियन ऐसी है। एक बार अपना नाम और मेरा नाम शिल्पी सरना है। मैं इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर हूँ और मैं इस कैंप में हमारे प्रेसिडेंट गांधी जी और जगतपाल जी के सहयोग से और उनकी अवेयरनेस की वजह से यहाँ पे आज आया हूँ। और स्पेशली वैक्सीनेशन हो रहा है बहुत अच्छी ड्राइव, बहुत अच्छी, एब्सोल्युटली सेफ। मैं तो कहूँगा ये दूसरे कैंप्स तो हॉस्पिटल से भी ज़्यादा सेफ है और सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइजीन लेवल्स बेटर मिलते हैं आई थिंक। सो हमारे एसोसिएशन ने कैंप ऑर्गेनाइज किया, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इनको, थैंक्स है। एंड वेरी वेरी हैप्पी, बहुत क्लीन, बहुत हाइजीनिक और सबको आना चाहिए। आई थिंक सब लोगों को अवेयर होना चाहिए कि वैक्सीनेशन से कुछ नहीं बिगड़ेगा और मस्ट गेट गेट इट द जैब डन। तो क्या आप अपने कर्मचारी जो हैं उनको भी वैक्सीनेशन कराएंगे? डेफिनेटली मैं उनको पुश करूँगा। कुछ लोगों को अप्रीहेंशन हैं, कुछ डाउट्स हैं, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे जैसे हम लोग अवेयर होंगे, जितने हम लोग पढ़े लिखे हैं जितने अवेयर हैं उनको भागना चाहिए, वैक्सीनेशन करानी चाहिए ताकि अवेयरनेस और स्प्रेड करेगी। ठीक है, आई थिंक दिस इज मस्ट, ये मैसेज सबको जाना चाहिए। जी गांधी जी, क्या कहेंगे कि आज वैक्सीनेशन करा रहे हैं आप लोग, कैसे देखते हैं इस ड्राइव को, सरकारी तौर पे क्यों नहीं लिया वैक्सीनेशन? सर हमारी इंडस्ट्रीज की तरफ से पहला प्रयास ये किया गया था कि भाई कम्युनिटी सेंटर में इसको वैक्सीन करवाया जाए, लेकिन कुछ लोग थे हमारे जो असमर्थ थे कम्युनिटी सेंटर जाने के अंदर, वहाँ भीड़ भड़का रश द्वारा ज़्यादा रहता था। कुछ लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल में भी जाना नहीं चाह रहे थे, सोच रहे थे कि यहीं पर ही कुछ इंतजाम हो जाए। तो हम थैंक्स करेंगे मेदांता टीम का, उनको हमने एक रिक्वेस्ट की, मेदांता की टीम ने आके हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्हें वैक्सीन का और IDA की टीम ने मिलकर इस चीज़ का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। मैं उसको थैंक्स करूँगा कि इनके लिए, कि मेदांता टीम के लिए और IDA की टीम के लिए जिन्होंने इस वैक्सीन का। कितने दिन तक ये कैंप चलेगा और कितने लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा? नहीं, आज तो तकरीबन 100 आदमियों के लिए वैक्सीन किया जा रहा है आज का, और शायद नेक्स्ट वीक का हमारा अगला प्लान है। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि निजी अस्पताल के साथ अब जाके और प्राइवेट तौर पर करा रहे हैं जहाँ पे आपको वायरस का भी कोई खतरा नहीं है? सर मेनली उसी चीज़ का इफेक्ट था कि एक तो पहली बात तो इंडस्ट्रीज अपना पैसा भी भर सकता है, जो भी फीस और फ्री में काम नहीं करवाना चाह रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि जो फ्री वाले काम है वो जिसको ज़रूरत हो उनको फ्री में वैक्सीन लगे, अगर इंडस्ट्रीज एक अपनी फीस भर सकता है तो ज़रूर भरनी चाहिए उसको। सर आज सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँचे हैं आप,
कैसे देखते हैं इस वैक्सीनेशन को, क्योंकि अब आपके पास न केवल कंपनियां पहुंच रही हैं बल्कि सोसाइटी भी पहुंच रही है। एक्चुअली एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से भी, और हम भी ये चाहते हैं डॉक्टर एज ए डॉक्टर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाए ताकि इस कोरोना वगैरह को, तभी ये फिनिश होएगा, अदरवाइज फिनिश होने के चांसेस नहीं है इसके। सर शुरुआती तौर पे तो सरकारी जो है संस्थानों में या फिर सरकारी तौर के ऊपर ही वैक्सीनेशन दी जाती है, अब किस तरह से देखते हैं कौन कौन लोग आपके पास आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, सोसाइटीज हैं, RWA के मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग हमारे को अप्रोच कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर के हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर लगाया जाए, एंड उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली आज की डेट में हमारे आज 5 वैक्सीनेशन कैंप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट गुड़गांव के एरियाज में। तो हम तो यही चाहेंगे चाहे गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्राइवेट वगैरह इंस्टीट्यूशन में ला कर ये सारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को जितना जल्दी हो सके वैक्सीन। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।